होते हैं, उसके अलावा कोई ना पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन। जहां तक आपने अमेरिका की बात की थी, उसमें मैं अमेरिका ने कभी इक्वल इंडिया को नहीं समझा है। जिस अलायंस के ऊपर मोदी साहब बड़ा अकड़ रहे हैं, आपको याद होगा हाउडी मोदी का जो है अमेरिका के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर जो है प्रोग्राम होता है, दूसरे दिन इमरान खान मिलते हैं तो वहां पे ट्रंप फिर मीडिएशन के ऑफर कर देता है, ठीक है। पिछले साल अमेरिकन जो है टैरिफ लगा देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं इंडियन के साथ ट्रेड के ऊपर, टैरिफ बढ़ा देते हैं। तो अगर तो कोई ऐसी बात होती कि जिसमें अलायंस की बात होती, अमेरिका सिर्फ यूज करना चाहता है। 27 फरवरी का जो अभी अबू बकर ने भी जिक्र किया, उसका फायदा जो हुआ, अगर आप देखें 27 से पहले बोल्टन इनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, पोम्पियो वजीर इनका सेक्रेटरी ऑफ खारजा, और ट्रंप, इन सब के पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एग्रेसिव किस्म के थे बयान, यहाँ तक कि फौजी आपने कॉपरेशन खत्म कर दी, आप सैंक्शन की बात कर रहे थे वगैरह वगैरह। 27 को आपने जब शो किया कि इंडिया आपसे कमतर है, तो एकदम पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है जो नुक्ता नजर वो चेंज हुआ, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि इंडिया हमें डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान को हाथ से ना जाने दो, क्योंकि पाकिस्तान हाथ से जाता है तो अफगानिस्तान में भी हमारे लिए प्रॉब्लम है और कई और जगह पे हो जाएंगी। इस वजह से आपने देखा एक दोबारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। तो इंडिया के ऊपर से एक और बात जो अगर आप देखें, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी नेशन ये नहीं चाहती कि उसके ताल्लुकात किसी ऐसे फासिस्ट नेशन के साथ हों कि उन दोनों को इक्वेट किया जाना शुरू कर दे। इसी वजह से आप देखें कि बार बार ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की तरफ से भी कश्मीर इशू के तस्वीर की बात हो रही है, रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, और सिर्फ एक पावर है जो इंडिया, जो वो ये नहीं कर रही है। लेकिन जिन जिन पे वो पैसा लगा रही है, जिनसे असला खरीद रही है, वो सारे के सारे ये देख रहे हैं कि भाई इसका इन द लॉन्ग रन, ठीक है पैसा तो अभी चाहिए लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका हमारा जो है पॉलिटिक्स में क्या फायदा होगा। छोटे छोटी सी वो क्या कहते हैं हड्डियां पहनते हैं और इंडिया उसको खुश हो जाता है कि जी हमने अमरीका को भेज लिया।